हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अगेन विथ अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। आज डे 8 है। आज ही के दिन सुबह मैं पिछले हफ्ते मंडे के रोज़ मुंबई से चला था ले जाने के लिए। कल रात को जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे होटल ढूंढने में काफ़ी तकलीफ़ होगी, मैं ले पहुँच चुका हूँ। आगे बात करेंगे, पहले कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा होटल है और ये मेरे होटल का टेरेस का व्यू है। तो कल वीडियो का खत्म करने से पहले मैंने कहा था कि मैं आज कुछ आपको सरप्राइज दूंगा। मैंने सोचा कि जब मैं लेह आया हूँ तो क्यों ना मोहब्बत बांटते जाऊँ, क्यों ना दोस्ती करते जाऊँ, क्यों ना अच्छे रिलेशन में यहाँ के लोगों से कायम करूँ, ताकि मेरे जो देखने वाले हैं, मेरे ब्लॉग्स देखने वाले हैं, वो लोग भी कभी आए तो उनका फ़ायदा हो। तो मैंने तय किया है कि ये जो होटल है, जो रात को जो मुझे तकलीफ़ हुई, वो तकलीफ़ आप लोगों को ना हो। तो इस होटल को मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ और उसका एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आज जो मेरा इरादा है, आज मुझे इनर लाइन परमिट जो है वो बनाना है। उसके बाद में मुझे लेह की कुछ जगह एक्सप्लोर करना है। और तो पूरा दिन भर फिर नाश्ता पानी के दोपहर के बाद में निकलने का इरादा है। एक ही चक्कर में सब चीज़ हम करके आएंगे। तो दोस्तों फिर कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ, बने रहिए। नाश्ते के बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों पहला डिस्टिनेशन जाने का जहाँ का प्लान हुआ है वो है 3 Idiots मूवी की वो कॉलेज जो मूवी के अंदर दिखाई गई थी, तो वहाँ जाने का इरादा है। नेविगेशन लगा लिया हूँ और सीधा अभी जैसे जैसे दिखाता है वैसे वैसे चलते हैं। कुछ 25 मिनट दिखा रहा है 15 किलोमीटर। जो पहाड़ घर ये सब सेम सऊदी अरब के ऐसे नज़र आ रहे हैं। सीधा स्ट्रेट 9.9 किलोमीटर तक हमें सीधा ही जाना है। दोस्तों लद्दाख आने से पहले लद्दाख के ताल्लुक से जो मेरी सोच थी के पहाड़ी इलाके है और अलग ही दुनिया है, वो सोच मेरी आज भी वैसी ही है। लेकिन मैं अपनी खुद की ज़िंदगी के पिछले वर्क को मैं भूल गया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सऊदी अरब के अंदर निकाला है। सऊदी से गुजरा हूँ मैं, सऊदी में रहा हूँ। और ये जो जिस तरह का ये रोड है, जैसे कि ये जो बड़े बड़े पत्थर, ये इस तरह से आप मक्का से मदीना जाइए, आप रियाद से आप हायल जाइए, बुरेदा जाइए, आपको सेम एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा। इवन ये जो आप देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े लंबे दरख्त है आप ये देख रहे हो, इसकी जगह पे आपको खजूर के झाड़ मिलेंगे। आप मदीना मुनव्वरा से 25 किलोमीटर वादी यज़ीद चले जाइए, सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, ज़रा सी भी फ़र्क नहीं रहेगा।
सऊदी अरब के अंदर रहने वाला अगर उसका आंख पर पट्टी बांध करके यहाँ पे लेके आए तो वो यही सोचेगा कि सिर्फ यहाँ के जो साइन बोर्ड है वो हिंदी में या इंग्लिश में, या इंग्लिश में लिखे हुए, अरबी में नहीं लिखे, बाकी तो ये सब दीवारें वगैरह सब वहाँ का जो रिमोट एरिया वैसे वैसा ही है। मतलब मुझे हर वक्त वही याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही इस तरह की ज़िंदगी जो है, मैं खुद इतने बरस वहाँ पे रहा हूँ, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है मेरे साथ। यहाँ घूमने के लिए आओ तो कितने रोज भी आओ कम पड़ेंगे, अगर आप 10-12 दिन भी रुके हुए ना तो आपको कम पड़ेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है। रैंचो कॉफी शॉप एंड विजिटिंग सेंटर, ये वो कॉलेज है जहाँ पे 3D पिक्चर का, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, रैंचोस विजिटर सेंटर्स ड्रंक वाइट डॉटर स्कूल शहर। कोविड की वजह से कॉलेज बंद है और हम वो करंट लगने वाला जो सीन है, जो कॉलेज के जो दूसरे सीन है वहाँ पे हम कुछ अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही पूरा कॉलेज है, यही पूरा कैंपस है जहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी, उसके कुछ मार्क्स आज भी हैं। यही है 3D मूवी की जहाँ जहाँ शूटिंग हुई थी, ये रहा उसका कैंपस, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, काफ़ी बड़ा है। चलो यहाँ का तो अभी हो गया, कोविड की वजह से हमें अंदर जाने नहीं दे रहा और कॉलेज भी बंद है, तो फिर चलिए दोस्तों अभी आगे दूसरी जगह जाते हैं। लेह सिटी में हम लोग पहुँचे हैं, अब देखो वहाँ से कहाँ कहाँ से गूगल चाचा हमें ले जाते हैं। दोस्तों ये वो लेह मार्केट है, इसको हमने कितनी बार देखा है अलग अलग ब्लॉग्स के अंदर। जो भी यहाँ पे रहने वालों को ज़रूरत है, ज़िंदगी रहती है, वो यहाँ पे सब मिल जाता है। सेंटर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फ्री बाजार है, बाजार का सुनता हूं तो याद आती है किसी की। लेह मार्केट से लगकर ही ये एक खूबसूरत सी लेह जामा मस्जिद है, मेरी जैसे ही इस पे नजर गई तो मैं सोचा कि चलो इसमें भी अंदर जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं और दो रकात नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये है लेह की जामा मस्जिद, पूरा इसकी जो नक्शकारी है वो तिब्बतियन कल्चर के साथ बनाई हुई है। Thank you.
दोस्तों मैं इस वक्त जो है लेह का शांति स्तूपा पहुंच गया हूं और यह है यहां का मंजर। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं, यहां पे देखिए इसके अतराफ में वादियों का कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ का मंजर देखिए आप, तो दोस्तों अभी हम लोग शांति स्तूपा देख लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लेह पैलेस। ये रहा ऊपर लेह पैलेस और इस रास्ते से अभी मैं ऊपर जाता हूँ। हेलो गाइस, लेह पैलेस जाने के लिए निकला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 बजे के बाद लेह पैलेस बंद हो जाता है। तो उसके ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक कुछ मॉनेस्ट्री है, तो बोला चलो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और मैं जो है यहाँ पर आया। यहाँ पे आने के बाद आप लेह का मंजर देखिए, ये वो शांति स्तूपा, ये लेह सिटी और वो लेह का रनवे बिल्कुल मेरे उंगली के पास, और ये चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और एक बात बताओ कि हमने हमेशा कहा है कि लेह एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीच में शहर आबाद है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के आसमान का कलर, यहाँ पे बादलों का कम्बिनेशन, यहाँ पे पहाड़ों का कलर, वो पहाड़ की चोटियों के ऊपर बर्फ, इसकी खूबसूरती को हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। तो फिर अभी मेरा इरादा ये है कि जब तक सूरज डूबता नहीं है, पहाड़ के पीछे जाता नहीं है, तब तक यहाँ पे छोटे मोटे वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट बिट बनाएंगे यूट्यूब के लिए, और फिर ये जब हो जाएगा तो सीधा होटल चले जाएंगे। कल सुबह जाना था तो मैंने पेट्रोल अभी ही भर लिया है ताकि सुबह जब यहाँ पे लगेज वगैरह रहे तो मुझे तकलीफ नहीं हो। कल सुबह रेडी है, सीधा होटल से चेकआउट करेंगे और रवाना हो जाएंगे।